ओबेदुल्लागंज में एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल युवक देवेश को बस स्टैंड से एक अज्ञात बैग मिला था, जिसे युवक ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी संदीप चौरसिया को सौंप दिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें सोने और चांदी का सामान समेत आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दूसरा सामान भी निकला। इसके बाद बैग में मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने महिला से संपर्क कर उसे बैग सौंपा। वहीं अपने सामान को वापस पाकर महिला ने युवक और पुलिस का धन्यवाद किया। माता जी का इंतजार कर रहा था, भोपाल से उनका आगमन था आने का, तो 15 से 20 मिनट तक इंतजार किया। फिर वहाँ बैठे बैठे बैग रखा मिला मुझे, जो नगर पंचायत परिषद का विश्राम गृह है वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग उसको काफ़ी समय इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो माता जी को ही बोला, फिर वो घर पे ले गई। पीआई साहब जी को संपर्क किया गया, उनके द्वारा बोला गया, फिर थाने में हमको लाया गया। तो थाने में आके पूरी सामग्री जो भी उसमें था वो जमा करा गया। जब भूल गए थे हम जल्दी जल्दी। क्या क्या सामान था उसमें? कुछ थोड़े से पैसे थे, पासबुक वगैरह थी, आधार कार्ड थे और मेरा आईडी कार्ड था उसमें। हाँ। सोने का मंगलसूत्र था, आज ही लिया था मंगलसूत्र? हाँ, आज ही लिया था। धन्यवाद ये भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आईटी कार्ड देखा गया उसमें माया सिसोदिया नाम से महिला का आया था, जिसके घर पर संपर्क किया तो महिला लगन यू ना बताया था। तो थोड़ी देर बाद महिला आ गई थी, तो ये सामान जो है जो महिला को बताया गया, महिला ने अपना सामान पूरा उन्हें बताया और उन्हें सपोर्ट किया गया। और हमारे देवेश जी ने बहुत मानवता का काम किया, क्योंकि महिला इतनी भाव विभोर हो गई थी अपने सामान को देखकर कि बहुत खुशी होती है ऐसे भाव देखकर।